आज हम लोग डिस्कस करते हैं वेडल्स रूल के बारे में। ये देखिए, बीएससी थर्ड ईयर में जो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला था उस पे पहले हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल फार्मूला किया एनए में, दूसरा जो था सिम्पसन वन थर्ड, फिर 3/8। आज उसी पे बेस्ड ये वेडल्स रूल है। वेडल्स रूल में क्या करते हैं, कैसे इसको डिराइव करते हैं, हम लोग समझते हैं पहले इसको। देखिए, हमारे पास ये दिया हुआ है वेडल्स जो फार्मूला है उसमें सबसे पहले जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको थोड़ा देखेंगे। ये देखिए, बहुत कम किताबों में पूरा फॉर्मूला छपा हुआ है, ये आपके लिए काम का भी है। एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू एच एन वाई नॉट एन स्क्वायर बाई टू डेल वाई नॉट एन, ये जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है, एन क्यूब बाई थ्री माइनस एन स्क्वायर बाई टू डेल टू वाई नॉट एन टू द पावर फोर बाई फोर माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर डेल थ्री वाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल थ्री। देखिए, अमूनन किताबों में बस ये फार्मूला यहीं तक छपा हुआ है, लेकिन हमको करना क्या है, हमको पुट करना है एन इजिकल टू सिक्स और नेगलेक्ट करना है हायर एंड ऑर्डर डिफरेंसेस को। तो हम लोग पूरा फार्मूला लिखेंगे, ये आपके लिए काम का है, थोड़ा देखिए इसको। एन के पावर फाइव बाई फाइव थ्री बाई टू एन के पावर फोर इलेवन बाई थ्री एन क्यूब माइनस थ्री एन स्क्वायर डेल फोर वाई नॉट बाई फैक्टोरियल फोर एन के पावर सिक्स बाई सिक्स माइनस टू एन के पावर फाइव, और ये देखिए प्लस थ्री फिफ्ट ये 35 बाई फोर एन के पावर फोर डॉट 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 डेल फाइव। ये देखिए डेल सिक्स तक फार्मूला आपके पास है। ये जो डेल सिक्स तक फार्मूला है, अगर आगे प्रोसीड करेंगे तो हम लोग और भी कर सकते हैं, अप टू एन प्लस वन टर्म तक कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर वन मान लिया। ये जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग जब सिम्पसन वन थर्ड किए थे, पहला ट्रेपेजॉइडल ही किए थे, ट्रेपेजॉइडल में हम लोग पुट करते थे एन इजिकल टू टू और नेगलेक्ट करते थे पहले थर्ड एंड हायर डिग्री टर्म को, फिर उसी तरह से एन इजिकल टू थ्री पुट करते थे, नेगलेक्ट करते थे हायर डिग्री टर्म को। ऐसे आज एक बार वापस हम लोग इस पे जो कर रहे हैं, एन इजिकल टू सिक्स पुट कर रहे हैं। ये देखो, एन इजिकल टू सिक्स पुट करके ये फार्मूले को बचा लेना है थोड़ा सा। ये कह रहा है कि पुट एन इजिकल टू सिक्स एंड नेगलेक्ट इन द सेवेंथ एंड हायर ऑर्डर टर्म। ये देखो, ये जो इक्वेशन आपके सामने दिखा रहा है इक्वेशन नंबर वन, इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे एन बराबर सिक्स और नेगलेक्ट करेंगे सेवेंथ एंड हायर ऑर्डर टर्म को या डिफरेंसेस को। देखिए, आपके पास ये जो फार्मूला है, यहाँ ये कॉर्नर में देखिए एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस सिक्स एच एफ एक्स डी एक्स। एच एज इट इज अपने प्लेस पे है, ये एन है एन की जगह सिक्स वाई नॉट प्लस। आप इसमें थोड़ा फोकस्ड करिए, अगर इसमें आप फोकस करेंगे तो एन स्क्वायर बाई सिक्स है, तो मतलब हो गया सिक्स का स्क्वायर बाई टू है, तो ये हो जाएगा आपका 36 बाई टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी 18। वो देखिए, आपको 18 वाई नॉट दिखाई दे रहा है। जस्ट एक दो टर्म तक हम समझा सकते हैं इसको, उसके आगे डॉट डॉट में चला जाएगा ये। देखिए, फिर एन की जगह आप सिक्स रखेंगे तो सिक्स का क्यूब बाई थ्री माइनस सिक्स का स्क्वायर बाई टू और डेल टू वाई नॉट बाई फैक्टोरियल टू। ऐसे ही अगले टर्म में जब आगे जाएंगे आप, तो फिर ये देखिए यहां पर एन के पावर सिक्स बाई फोर माइनस एन के पावर थ्री एन स्क्वायर डेल थ्री वाई नॉट बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां जितना भी एन आपको दिखाई दे रहा है उन सब में एन के प्लेस पे आप सिक्स पुट करेंगे और यहां तक आपको वैल्यू कंसिडर करनी है डेल सिक्स वाई नॉट तक, उसके आगे का जो टर्म है वो नेगलेक्ट कर देना है। देखिए, यही लिखा हुआ है, पुट एन इज इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन वन एंड नेगलेक्टिंग सेवन एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, सात और सात से अधिक डिफरेंस जितने भी हैं सबको नेगलेक्ट करना है। तो देखो, आपका ये एलएचएस हो गया एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस सिक्स एच एफ एक्स डी एक्स, इधर एच अपने प्लेस पे और सारी वैल्यू एन पुट करते करते हम लोग चले गए। देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर लाते हैं, ये आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए, ये लिखा हुआ है एच सिक्स वाई नॉट, वो जो फार्मूला था अभी उसी में 18 डेल वाई नॉट 27 डेल टू वाई नॉट 24 डेल थ्री वाई नॉट 123 बाई 10 डेल फोर वाई नॉट 33 बाई 10 डेल फाइव वाई नॉट 41 बाई 140 डेल सिक्स वाई नॉट। इसके आगे के जो टर्म है वो देखिए डिलीट कर दिए गए हैं, मतलब इग्नोर कर दिया गया है। अब इसमें दो बातें आपको थोड़ा मेंशन करनी है और ध्यान देना है, ऐसा पिछला किसी फार्मूले में नहीं हुआ, ट्रेपेजॉइडल में भी नहीं हुआ, सिम्पसन वन थर्ड में भी नहीं हुआ और 3/8 में भी नहीं हुआ। यहां पर इसको हमें कॉमन लेने के लिए
एक पैटर्न में 3H/10 सब में से कॉमन निकल जाए बनाने के लिए, ये जो डेल 6Y0 का कोफिशियंट है 41/140, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। ये जो 41/140 डेल 6Y0 है, इसको रिप्लेस करेंगे 3/10 डेल 6Y0। अब देखो, ये 3/10 की वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे और 41/140 की वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे, तो इसमें दशमलव में बहुत कम अंतर होगा। तो इसको इससे रिप्लेसमेंट किया गया है, रिप्लेस इसीलिए हो रहा है कि ये दोनों में कॉमन निकाला जा सके, बिकॉज एरर इज इन्वॉल्व एस रिलीजिबल। कह रहा है कि ये जो इसके और इसके दोनों की वैल्यू को रिप्लेस करने पर, इसके जगह पे देखो ये वैल्यू है 41/140 डेल 6Y0, इसके प्लेस पे 3/10 डेल 6Y0 अगर हम रिप्लेस करते हैं, तो जो एरर आता है वो एरर दशमलव में होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा किया जा सकता है। देखिए, ये काम करने के बाद आपका जो ये वाली लाइन है वो ये बन जाएगी। इसको देखें आप ध्यान से, ये देखिए एच यहां था 6Y0, 18 डेल Y0 प्लस 27 डेल 2Y0, 24 डेल 3Y0 प्लस 123/10 डेल 4Y0, 33/10 डेल 5Y0, और यहां आप रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे ध्यान से सुने, इसको आप रिप्लेस करेंगे इससे 3/10 डेल 6Y0 से। अब आप थोड़ा सा वर्क करना शुरू करेंगे। देखिए, ये आपका Y0 है, इसकी वैल्यू को डेल Y0 को यदि आप लिखना चाहें तो डेल Y0 को देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, डेल Y0 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेल Y0 इज इक्वल टू, ये फॉरवर्ड डेल है, इसको लिख सकते हैं Y1-Y0। ऐसे ही अगर ये डेल 2Y0 को ध्यान देंगे तो डेल 2Y0 की वैल्यू को आप उसी प्लेटफॉर्म पे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल 2Y0 इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल Y0, डेल ऑफ डेल Y0 ऐसा कुछ। ये देखो, ये डेल एज इट इज रहेगा और यहां पर डेल ऑफ Y0 जो आप ये रिप्लेस करने जाएंगे जब इसको, देखिए तो ये पहला वाला जो डेल है एज इट इज छोड़ दीजिए, डेल Y0 को रिप्लेस करेंगे तो Y1-Y0। अब ये जो डेल की वैल्यू है, ये डेल ऑपरेट होगा पहले डेल ऑफ Y1-डेल ऑफ Y0। अब डेल ऑफ Y1 की वैल्यू हो जाएगी Y2-Y1 और डेल ऑफ Y0 की वैल्यू हो जाएगी Y1-Y0। इसको आप रिप्लेस करेंगे, दोनों को एक साथ मिलाने का प्रयास करेंगे तो Y2-2Y1 और प्लस Y0। ये देखिए, ये आपके पास पूरी वैल्यू पड़ी हुई है। ये एक्चुअली वैल्यू है किसकी, ये डेल 2Y0 की वैल्यू है, तो डेल 2Y0 के जगह डेल 2Y0। ऐसे ये जो रिजल्ट आया इसमें एक बार डेल ऑपरेट करेंगे तो डेल 3Y0 आएगा, फिर जो डेल 3Y0 की वैल्यू मिलेगी उसको रिप्लेस करेंगे यहां, फिर डेल 5Y0 की वैल्यू निकालेंगे और डेल 6Y0 की वैल्यू निकालेंगे। इसको वैल्यू आप जो ऐसे प्रोसीजर वाइज निकालते हैं, ये देखिए डेल Y0 है, ये डेल 2Y0 की वैल्यू है, ऐसे डेल 3Y0, ऐसे डेल 4Y0, ये सारी वैल्यू 1/1 निकाल करके लाके आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए, पहले वाले में डेल Y0 को छोड़ देंगे, इसमें डेल Y0 की वैल्यू, इसमें डेल 2Y0 की वैल्यू, डेल 3Y0 की वैल्यू, डेल 4Y0 और डेल 5Y0 और डेल 6Y0। कोफिशिएंट तो चेंज हो गया है, 3/10 हो गया इसका यहां पे। अब रिप्लेस करने के बाद आप देखेंगे तो ये 3/10 सब में कॉमन निकल सकता है, और निकलने के बाद ये एच ऑलरेडी पहले से था, 3/10 सब में से कॉमन निकालेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इतना रिजल्ट आएगा। सबके पास ये एक काम दिया जा रहा है, आप कॉपी में इसको करेंगे भी ट्रीट, ये फार्मूला जो सामने लिखा हुआ है इसको लिखने के बाद इस 41/140 को रिप्लेस करेंगे इससे, ये वाली वैल्यू से 3/10 डेल 6Y0 से, और इसको रिप्लेस करने के बाद तब आप ये डेल Y0, डेल Y0, डेल 2Y0, डेल 3Y0, डेल 4Y0, डेल 5Y0, डेल 6Y0 का वैल्यू रख देंगे, रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग इसमें हो क्या रहा है। अब देखो, ये जो वैल्यू आई है, ये आपके पास पहला वाला जो मान था, इक्वेशन नंबर 2 जिसको आप कह रहे हैं, यहां इक्वेशन नंबर 2 को केयरफुली देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास है x0 to x0 plus 6x fx dx, 3H/10 Y0 प्लस 5Y1 plus Y2 प्लस 6Y3 plus Y4 प्लस 5Y5 plus Y6। अगर इसी को आगे हम बढ़ा दें तो देखो, ये x0 से x0 प्लस 6h है, तो ये अगला टर्म इसका होगा x0 to 6h से x0 प्लस 12h तक,
तो यहां पर देखो y नॉट फर्स्ट था और y6 लास्ट था, इसमें y6 फर्स्ट हो जाएगा और y12 लास्ट होगा, तो y6 प्लस y7 प्लस y8 6y9 प्लस y10 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे y12 तक। अब ये जो प्रक्रिया आपके सामने दिखाई दे रही है इसी प्रोसीजर को आप फिर से फॉलो करें। ये देखिए डॉट डॉट, ये जो बीच में आपको गैपिंग दिखाई दे रही है ये क्या है, क्यों है, इसको थोड़ा समझें। कह रहा है कि इसी प्रोसीजर को आप कंटिन्यू रखिए, अगर इसी प्रोसीजर को आप कंटिन्यू रखेंगे तो इसके लिए देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है। ये डॉट डॉट क्या बोल रहा है, कैसे क्या करना है, इसको आप समझेंगे थोड़ा। देखिए आपके पास ये जो टर्म था ये डॉट 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 डॉट, प्रिंटेड मैटर में डॉट डॉट लगा भी है, देखो ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट कर क्या रहा है, जैसे यहां एक्स नॉट प्लस 12h है तो अगला वाला जो टर्म होगा उसका वो होगा x नॉट प्लस 12h टू x नॉट प्लस 18h तक, और यहाँ एफ एक्स डी एक्स, फिर इसके बाद अगला टर्म, इसके बाद अगला टर्म, फिर हम लास्ट वाला टर्म लिख रहे हैं। ये देखो लास्ट वाला जो टर्म हम लोगों को लिखना है वो देखो ये सामने यहां आ गया। अब आप यहां x नॉट प्लस nh फाइनल लिख रहे हैं तो उसके जस्ट 6 टर्म पहले क्या होगा, इस बात को थोड़ा समझेंगे कि इसके 6 टर्म पहले क्या होगा। उसके 6 टर्म पहले x नॉट प्लस n माइनस 6h इस टाइप का टर्म आएगा। देखो ये देख रहे हैं हम लोग x नॉट प्लस n माइनस 6h टू x नॉट प्लस nh fx dx। देखो 3h बाई 10, ये जो ऊपर वाला x नॉट प्लस nh है ये इस x नॉट प्लस nh में ये लास्ट में रहेगा यहां, ये देखो ये सबसे अंतिम वाला जो टर्म होगा आपका पहला वाला y n माइनस 6 y n माइनस 5 y n माइनस 4 y n माइनस 3 y n माइनस 2 और y n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये सारा लास्ट वाला टर्म होगा यहां। ये जो इसका लास्ट टर्म आपका होगा ये वाई एन तक होगा, वाई एन माइनस सिक्स, देखो ये वाई एन माइनस सिक्स यहां है, वाई एन माइनस फाइव यहां है, वाई एन माइनस फोर, वाई एन माइनस थ्री, वाई एन माइनस टू, वाई एन माइनस वन अप टू वाई एन तक का टर्म यहां होगा। ये इक्वेशन नंबर आपका एन प्लस वनवा होगा। अब इसमें सारे इक्वेशन को, ये जो n प्लस वनवा टर्म है वो इक्वेशन के रूप में यहां जाएगा, इसमें सारे टर्म को जोड़ दिया गया, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से, राइट साइड वाला राइट साइड से। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर n प्लस 1 सबको ऐड कर दिया गया। पहला वाला x नॉट टू x नॉट प्लस 6h fx dx, x नॉट प्लस 6h टू x नॉट प्लस 12h fx dx, x नॉट प्लस n माइनस 1h टू x नॉट प्लस nh fx dx। देखिए जब इसको इस लेफ्ट साइड वाले को जोड़ेंगे 6-6 का गैप है x नॉट से 6x तक, वेके देखो ये 6 से 12 तक, फिर ऐसे ही n माइनस 6 से लेके nh तक, इसका सारा लेफ्ट साइड से जुड़ गया। अब इसका राइट साइड हम लोग जोड़ते हैं, राइट साइड जोड़ेंगे यदि तो देखिए इसमें 3h by 12 सब में कॉमन है, 3h by 12 सब में कॉमन है, देखो ये 3h by 12 सब में कॉमन है। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसको सिस्टमेटिकली लिख डालना है। देखो यहां पर जो आप जब जोड़ेंगे इसको तो ये देखो y नॉट और yn ये दोनों एक बार आए हैं, y नॉट और yn ये दोनों एक बार आए हैं, y6 का कोफिशिएंट, y12 का, yn-6 का, ये सब दो बार आया है। पहले वाले का लास्ट y6 था, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, पहले वाले का जो लास्ट था वो y6 था और दूसरे वाले ब्रैकेट का पहला वाला y12 था, तो आप इसको दो दो बार रिपीट किए हैं, तो y6 y12 और yn-6 टू टाइम्स है, ऐसे ही y1 y7 और yn-1 फाइव टाइम्स है, ऐसे ही y2 y8 y12 14 और yn-4 सिंगल टाइम्स है, y3 y9 और yn-3 छह बार होगा, y4 y10 और डॉट डॉट yn-1 ये सिंगल टाइम्स होगा, y5 y11 y13 और yn-1 ये सब पांच बार होंगे
और ये फर्स्ट टर्म y नॉट और लास्ट टर्म y n, ये एक एक बार होगा। ये आपका रिक्वायर्ड इतना पूरा का पूरा ये जो आया, इसी को बोलते हैं वेडल्स रूल। देखिए ये थोड़ा अन्य से जितना पीछे के थ्योरम थे उससे डिफर था। इसमें n इज इक्वल टू 6 पुट किया हो गया था और सेवेंथ और हायर डिफरेंसेस टर्म को डिलीट किया गया था, मतलब इग्नोर कर दिया गया है, तब ये रूल आया। कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है, इसको भी आप प्रिपेयर कर डालिएगा। मैक्सिमम चांस है कि पीछे वाले से ही आ जाए, लेकिन फिर भी आपके पास ये रहना चाहिए।